Stanley on Bible presents Sound Doctrine Swast Siddhant Lessons prepared by R. Stanley, a building engineer turned Bible teacher. Taiyar kiye gaye paath dwara R. Stanley Bhavan engineer bane Bible shikshak. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 8 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है मृत्यु। डॉक्टर नेल्सन बेल, जो कि चीन में मिशनरी बनकर के गए थे और जिन्हें बहुत से लोग डॉक्टर बिली ग्राहम के ससुर के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक बार इस प्रकार से कहा था कि जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहता है वास्तव में वही है जो अपने जीवन को जीने के लिए तैयार है। हम सीख रहे हैं कैसे न मरे, हाउ नॉट टू डाई, और अब तक हम लोगों ने इस विषय पर 8 पाठ सीख चुके हैं जो इस प्रकार से थे। पहला पाठ, डू नॉट पोस्टपोन रिपेंटेंस, पश्चाताप को स्थगित न करें। दूसरा पाठ, डू नॉट होल्ड बिटरनेस अगेंस्ट एनीवन, किसी के विरुद्ध कड़वाहट न रखें। तीसरा पाठ, डू नॉट डिपेंड ऑन योर वेल्थ, अपनी संपत्ति पर निर्भर न रहें। चौथा पाठ था, डू नॉट लीव योर डियर वंस इन कंफ्यूजन, अपने प्रियजनों को भ्रम में न छोड़ें। पांचवा पाठ था, डू नॉट गिव प्लेस टू डिप्रेशन, निराशा को जगह न दें। छठवां पाठ था, डू नॉट एवर कॉन्टेम्पलेट सुइसाइड, आत्महत्या का विचार कभी भी न करें। पाठ क्रमांक 7 था, डू नॉट बिकम लेजी, आलसी न बने। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 8वां पाठ सीखा था, डू नॉट स्टॉप सैंक्टिफाइंग योरसेल्फ, अपने आप को पवित्र रखना बंद न करें। टुडे वी मूव ऑन टू लेसन नंबर 9। आज हम लोग 9वें पाठ की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज, डू नॉट बी हॉरिबली अफ्रेड ऑफ डेथ, मृत्यु से अत्यंत भयभीत न रहें। मैं इसे फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू डाई, कैसे न मरें। डू नॉट बी हॉरिबली अफ्रेड ऑफ डेथ, मृत्यु से अत्यंत भयभीत न रहें। प्रियो, मनुष्य अगर अपने जीवन में किसी बात से, किसी वस्तु से बहुत अधिक डरता है तो वो है उसकी मृत्यु। मौत से उसे बहुत डर लगता है और बाइबल इस बात की पुष्टि भी करती है। इब्रानियों की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और उसके 14वें और 15वें वचन में आपको लेकर के चलता हूं। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दें, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उनको छुड़ा ले। प्रभु यीशु ने हमको मृत्यु के भय से छुड़ाने के लिए भी आए हैं, क्योंकि मनुष्य लिखा है जीवन भर मृत्यु के भय के दासत्व में जकड़े हुए रहता है और उसे आजाद करना था। प्रभु यीशु का जन्म और उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान इसी खास उद्देश्य से हुआ था कि शैतान और उसके मृत्यु को निकम्मा कर दे। फिर से देखिए 14वें वचन में लिखा है, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हम जो उसके बच्चे हैं, हम शारीरिक जीवन जो जी रहे हैं, तो हमारे लिए वह भी हमारे साथ सहभागी हो गया, वो भी खुद मांस और लहू का जीवन लेकर के आ गया, ताकि वो भी इसी रीति से यानी कि मृत्यु से होकर के गुजरे, और मृत्यु के द्वारा जिसको मृत्यु पर शक्ति मिल गई थी शैतान को, उसको खत्म कर डाले, उसके डंक को खत्म कर डाले, उसको निकम्मा कर डाले, और ऐसा करने से हम जो मृत्यु के भय में जी रहे थे उनको आजादी मिले, कि हम जान जाएं कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, क्योंकि प्रभु यीशु ने
अपने जीवन में यह पुनरुत्थित जीवन का सबूत लोगों के बीच में रह करके प्रस्तुत किया था। प्रियो, भजनकार दाऊद भी इस भय से मुक्त नहीं था। हालांकि परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला वो था, लेकिन आप मेरे साथ में निकालिएगा भजन संहिता उसका 55वां अध्याय और उसके 4 वचन में देखिए। यहां पर यूं लिखा है, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में पड़ा है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। और दाऊद भी अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरा जब चारों ओर मौत मंडराया करती थी, और उस समय के ये शब्द हैं, और वो कह रहा है मुझे मृत्यु का भय सता रहा है। और उसी तरह से भजन संहिता के 116वें अध्याय के 3 वचन में लिखा है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। बड़े तकलीफ से होकर के गुजरा, भय में से होकर गुजरा, और वो भय था मृत्यु का भय। प्रियो, लेकिन मृत्यु के लिए परमेश्वर का जो दृष्टिकोण है और जो मनुष्य के सोच विचार हैं, ये एकदम भिन्न हैं। उसका उदाहरण मैं इन वाक्यों से आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य जो है ये मौत से दूर भागना चाहता है, मृत्यु से जितना दूर रहे वो संतुष्ट रहेगा। लेकिन परमेश्वर हमको क्या सिखाता है कि मृत्यु के लिए हम उत्सुक हो जाएं। दूसरा वाक्य देखिए कि मनुष्य मृत्यु को अपनी जीवन यात्रा का अंत समझता है, जबकि परमेश्वर हमको यह बताता है कि मृत्यु जीवन यात्रा के जो सबसे उत्तम भाग है उसकी शुरुआत है। उसी तरह से एक और वाक्य देखिए कि मनुष्य मृत्यु को एक दुख भरी अंधेरी रात समझता है, लेकिन परमेश्वर मृत्यु को महिमा में उजाले का दिन कहता है। प्रियो, हम लोग अपने जीवन में मृत्यु के कारण जो भयभीत होते हैं वो इसीलिए है क्योंकि हम मृत्यु के बाद की बातों को नहीं जानते। इसे मैं थोड़ी देर में विस्तार से बताऊंगा। बाइबल मृत्यु को बड़े आदर के साथ में देखती है। भजन संहिता के 116वें अध्याय के 15वें वचन को अगर आप देखें तो वहां लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास जो आने दे रहा है यह बड़ी अनमोल बात है। परमेश्वर के आंखों में, नजरों में यह बात बहुत ही बहुमूल्य है। बाइबल में मैं मृत्यु को भिन्न भिन्न रूप में, तस्वीरों में देखता हूं और उनमें से कुछ बताना चाहता हूं। बाइबल में मृत्यु को नींद के साथ में तुलना की गई है उसकी, मानो कोई इस व्यक्ति सोया है। यदि आप यूहन्ना के 11वें अध्याय में आते हैं और उसके 11वें वचन के पास में देखिए, जहां पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि मेरा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। आप इस घटना को जानते हैं कि लाजर को मर के 4 दिन हो चुके थे, लेकिन यीशु उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करता है कि हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसको जगाने के लिए जाता हूं। पौलुस प्रेरित 1 थिस्सलुनीके और उसके 4 अध्याय और उसके 13वें वचन में कहता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। अर्थात ये उनके लिए बात कर रहा है जो प्रभु में सो गए हैं, परमेश्वर ने अपनी महिमा में बुला लिया है, अपने पास बुला लिया है, जिनके देह का अंत हो गया है, उनके लिए वो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि जो सो रहे हैं। तो नींद एक शब्द है। दूसरी उपमा मैं देखता हूं कि मृत्यु की जा रही है मानो जहाज किनारे पर से हटके समुद्र की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर रहा हो, और इसके लिए हम साधारणता कहते हैं कि कूच करके निकलना। और मैं फिलिपियों की पत्री और उसके 1 अध्याय के 23वें वचन में इस प्रकार की बात को देखता हूं जो लिखा हुआ है पौलुस प्रेरित के शब्दों में, 1 अध्याय और उसका 23वां वचन।
मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत अच्छा है। निकल जाना चाहता हूं, जैसे जहाज किनारे को छोड़ करके अपनी यात्रा को शुरू करना चाहता है। और उसी तरह से दूसरा तिमोथियुस और उसके चौथे अध्याय के छठे वचन में लिखा है, मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच करने का समय आ गया है। अब मेरे उस जहाज के समान जो किनारा छोड़ करके आगे बढ़ जाता है गहरे में, वैसा समय आ गया है। तीसरी समरूपता में जो देखता हूं वो है विदा होना। यदि आप लूका की पत्री में और उसके नौवे अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार और उसका नौवा अध्याय और उसके 31वें वचन में आएंगे, यहां पर यह लिखा हुआ है, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उनके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। उस पहाड़ी को याद करिए जब यीशु ने अपने 3 शिष्यों को साथ में लिया और वहां पर पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना कर रहे थे, वहां उनका रूप परिवर्तित हो गया और 2 व्यक्ति प्रभु यीशु से मिलने के लिए आते हैं, मूसा और एलिया, और बहुत जगमगास गए उनके कपड़े और शिष्य देख करके घबराए हुए हैं। और आपको मालूम है कि वहां पर क्या चर्चा चल रही थी, मूसा, एलिया और प्रभु यीशु। लिखा है प्रभु यीशु के विदा होने की बात, यानी कि उसके मृत्यु की बात वो लोग कर रहे थे। उसी तरह से हम देखते हैं कि पत्रस भी अपनी दूसरी पत्री के पहले अध्याय में इसी बात को दोहराता है कि मेरे विदा होने का समय अब आ गया है। उसी तरीके से मैं चौथा जो तुलना है नींद का, देखा हमने जहाज का किनारा छोड़ना और उसी तरीके से विदा होना, अब चौथा देखते हैं कि वस्त्र बदलना। हम लोग मृत्यु के दौरान वास्तव में इस देह को छोड़कर एक नई देह को पहन लेते हैं, और साथ ही तंबू का उखाड़ा जाना, इस प्रकार के शब्द भी नजर आते हैं। यदि आप निकालें दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसके चौथे वचन में इस प्रकार से लिखा है कि बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर जो संसार के बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। आगे 14 वचन में लिखा है, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। मेरा जो तंबू है वो अभी गिराया जाएगा, यानी कि मेरी मृत्यु आने वाली है। उसी तरीके से मैं दूसरा कुरंथी और उसके 5वें अध्याय और उसके पहले ही वचन में इस प्रकार से पढ़ता हूं, पौलुस प्रेरित लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, ये तंबू जब गिराया जाएगा, तो हमारी मनुष्य की मृत्यु को तंबू के सदृश समझा गया है, जो थोड़े समय के लिए खड़ा होता है फिर उसको गिरा दिया जाता है ताकि दूसरी जगह में जाएं। एक और मृत्यु की तुलना की जा रही है और वो है बीज बोने से, और ये हमको मिलता है पहला कुरंथी और उसके 15वें अध्याय के 42वें वचन में, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अनाज के दाने बोए जाते हैं और बाद में वो एक नए रूप में पौधा बनकर के खिल उठते हैं, मनुष्य की देह में भी वो मानो गाढ़ा जाता है, बोया जाता है, लेकिन एक नए रूप में उठने के लिए। इसलिए प्रियो, किसी विश्वासी की मृत्यु के समय में क्रिस्ती जन वास्तव में ये कहते हैं कि महिमा में उनकी पदोन्नति हुई है। मृत्यु वास्तव में आपके जीवन की रोशनी को बंद कर देना नहीं, परंतु इसलिए कि आप दिन के उजाले में पहुंच गए, परमेश्वर के सामने जाकर के खड़े हो रहे हैं, स्वर्ग के उजाले में पहुंच रहे हैं, इसलिए जैसे दिन के निकलते चिराग को फूंक दिया जाता है, वैसे यहां से चिराग को बुझा करके उसको दिन के समय में प्रवेश करा दिया जाता है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नाम की एक पुस्तक है जो शायद आपने पढ़ी होगी, और इनके लिखने वाले जॉन बनियन हैं, और इन्होंने मृत्यु के लिए एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा था, और उनका कहना था कि उस मनुष्य के समान जो बंदी गृह में से निकल करके महल में प्रवेश करता है, जो कि मानो जेल खाने में था, कैदी खाने में रखा गया था उसको, और उस कैद खाने में से छूटता है और एक बड़े से महल में हमेशा के लिए प्रवेश करता है। बाइबल भी बिल्कुल हमें इसी बात को सिखाती है। लोग मृत्यु से इसीलिए डरते हैं कि
क्योंकि वे जानते नहीं हैं कि मृत्यु के बाद क्या है। मैं इसे फिर से कह रहा हूं, मनुष्य मृत्यु से क्यों डरता है? वो इसीलिए डरता है क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि मृत्यु के बाद कितना अद्भुत और सुख और आनंद और उजाला है। प्रियो, मृत्यु के उपरांत क्या है, आप क्या विश्वास करते हैं, इस पर तय होगा कि आप अपना जीवन आज कैसे जीते हैं। आपके जीवन के सारे व्यवहार की बातें इसी पर आधारित रहेगी कि आप मृत्यु को किस नजरिए से देखते हैं। आइए हम इस समय बाइबल के कुछ पाठांशों को देखेंगे जहां पर मृत्यु के विषय में बात की जा रही है। प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के साथ आखिर होता क्या है, उसकी मृत्यु के उपरांत क्या होता है, जिस मनुष्य ने यीशु पर विश्वास कर लिया है मृत्यु के बाद उसका क्या होता है। बहुत सारी बातें हैं जो दानियल को प्रकाशन के रूप में दी गई थी। दानियल बहुत सारे भेदों को खोलने वाला व्यक्ति करके आप जानते हैं, और एक बात थी जो दानियल के समझ में नहीं आ रही थी। मेरे साथ आप खोल सकते हैं दानियल की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और 8वां और 9वां वचन। ये बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा, दानियल कह रहा है। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी गई है। देखिए, इसके बाद में लिखा है 13वें वचन में, देखिए, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहे, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। वो भेद की बात वहां तो नहीं खोली गई, लेकिन दानियल को एक बात अवश्य बता दी गई, उसका अंतफल क्या होगा। अभी तो तू चला जा, अभी तू अपने विश्राम स्थल में चला जा और उस स्थान पे चला जा जहां तू रुका रहेगा, लेकिन एक दिन तू अपने स्थान पर खड़ा रहेगा, तुझे फिर से जिलाया जाएगा। हे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है, और इस बात से हमें अनंत के भविष्य के लिए बड़ी शांति प्राप्त होती है। हमारी देह जो है ये तो मिट्टी में मिल जाती है, परंतु हमारा आत्मा परमेश्वर के पास में जाता है। देखिए विश्वासियों का कितना सुंदर अंत है। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके 7वें वचन में लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। मनुष्य के देह के बारे में कहा जा रहा है, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया था लौट जाएगा। हमारा आत्मा जो प्रभु से हमें प्राप्त हुआ है वो वापस प्रभु के पास में चला जाएगा। प्रियो, नाशमान देह अविनाशी को धारण करती है, इसके लिए मैं आपको पहला कुरंथी और उसके 15वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। और यहां पर देखिए कितना सुंदर चित्रण पौलुस प्रेरित ने किया है। 42वें वचन से लेकर 44वें वचन तक चलेंगे हम लोग। मुर्दों का जी उठना भी, देखिए मरे हुए हैं लेकिन जी उठने की बात कर रहा है, ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में फिर जी उठता है। वो अनादर के साथ में बोया जाता है और बड़े तेज के साथ, महिमा के साथ में जी उठता है। वो निर्बलता के साथ में बोया जाता है परंतु सामर्थ्य के साथ में जी उठता है। वो स्वाभाविक रूप में बोया जाता है परंतु आत्मिक देह में जी उठता है। और यदि आप 48वें वचन की तरफ आएंगे तो वहां पर पाएंगे कि वो वास्तव में मिट्टी है जो मिट्टी में बोई जा रही है, लेकिन एक नए रूप में, जिसको लिखा है स्वर्गीय रूप में, वो फिर से निकल करके आता है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय रूप को भी हम लोग धारण करने वाले हैं। कितना अद्भुत भविष्य है जो प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। प्रियो, क्रिस्त उठा लिया गया केवल इसलिए नहीं कि पिता के दाहिने हाथ जाकर के बैठ जाए, परंतु इसीलिए कि हमारे लिए जगह को तैयार करें। आप मेरे साथ में निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसका 1 वचन से आगे देखेंगे। और यहां पर प्रभु यीशु जो कह रहे हैं ये दिल की बात कह रहे हैं, दिल की गहराई से कह रहे हैं,
और मनुष्यों के दिल तक इस बात को उतार देना चाह रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। और क्यों कह रहे हैं व्याकुल नहीं होना? अगले वचन में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। अब देखिए इस बात पे वजन डालने के लिए उन्होंने आगे का शब्द क्या कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि नहीं होते तो मैं कह देता। है, वास्तव में है। और देखो मैं उन चीजों को, उन जगहों को, उन स्थानों को व्यवस्थित करने जा रहा हूं। लिखा है, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जिस स्थान में प्रभु यीशु रहते हैं उसी स्थान में रहने के लिए हमको भी मिलेगा जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये अद्भुत बातें लिखी हैं। पौलुस ने भी बिल्कुल इसी बात को दोहराया। मेरे साथ में पहला कुरंथी उसका दूसरा अध्याय और उसके 9वें वचन को देखिए। यहां पर यूं लिखा हुआ है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। ये विश्वास से ही होगा। अनदेखी बातों का मानो प्रमाण है, हम ऐसे जीते हैं जैसे कि दिख गया, मिल गया और प्राप्त हो चुका है, और ये मृत्यु के उपरांत का वो अनंत जीवन है। बाइबल बिल्कुल ऐसे ही कह रही है, हमने देखा नहीं, सुना नहीं, समझ में नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए उसको निर्धारित कर दिया है। और आगे लिखा है 10वें वचन में, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट कर दिया है। ये बातें वो लोग समझ लेते हैं जिनको परमेश्वर का आत्मा आकर इन बातों का प्रकाशन देता है, इन बातों को स्पष्ट कर देता है। जब हम वास्तव में देखेंगे प्रियो, तो शायद हमारी भी बातें शीबा की रानी की तरह हो जाएगी। आपको मालूम है शीबा की रानी सुलेमान से मिलने के लिए गई थी, और जब वो अपने राज में थी तो उसे बताया गया सुलेमान बहुत बुद्धिमान है, बहुत कल्याणी है, और बहुत 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 सारा उसके पास में है। और शीबा की रानी वहां आती है और वो कहती है, तेरे कामों और बुद्धिमानों की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वो सच ही है, परंतु जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देख लिया तब तक उन बातों की प्रतीति नहीं की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। हम लोगों ने आज जो देखा है प्रियो, आज जो हम अंदाज लगाते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हम सब अभी भी धुंधला ही देखते हैं। पहला कुरंथी और उसके 13वें अध्याय के 12वें वचन में इसी प्रकार से हमारा ज्ञान अधूरा है और हम जो देख रहे हैं वो बड़ा धुंधला सा देखते हैं, लेकिन एक दिन हम इन सब बातों को आमने सामने देखेंगे और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जब संसार हमें अलविदा कह देता है तब वास्तव में परमेश्वर हमारा स्वागत करता है। सोचिए, संसार आपको अलविदा कह देता है लेकिन परमेश्वर आपको स्वागतम कहता है, अपने राज्य में बुला रहा है। मैं इसके कुछ उदाहरण बताऊंगा आपको। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में आइए, जहां पर न्याय से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई, और वहां पर 34वें वचन में लिखा है, तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ। वो बुला रहा है, वो स्वागत कर रहा है और कह रहा है, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार करके रखी हुई है। परमेश्वर ने पहले से एक स्थान हम लोगों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। उसी तरह से मैं प्रेरितों के काम और उसके 7वें अध्याय में स्तिफनुस के लिए देखता हूं। स्टेफनुस पे पत्थरबाजी शुरू कर दिया लोगों ने और वो मरने पर है, लेकिन लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के स्वर्ग की ओर देखा, और क्या देखा? परमेश्वर की महिमा को देखा। और क्या देखा? उसने प्रभु यीशु को देखा, परमेश्वर के दाहिनी ओर वो खड़ा है, मानो स्वागत करने के लिए खड़ा है कि स्टेफनुस आ जा। जब हमारी मृत्यु होती है, जब शरीर में हम लोग मरते हैं, स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के आंगन में हमारा प्रवेश होता है,
प्रियो, ऐसा स्वागत हर बच्चे का होगा, हर विश्वासी का होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्तिफनुस खुद भी कोई प्रेरित नहीं था, केवल एक छोटा सा सेवक था। आप छठवें अध्याय में उसके बारे में पढ़िएगा, और प्रभु यीशु खड़े होकर के उसको स्वर्ग राज्य में स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रत्येक जन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इसी रीति से आदर के साथ में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। प्रियो, ये पुराने नियम के संतों की भी आस रही है। भजन संहिता और उसके 73वें अध्याय में आइए और उसके 24वें वचन में देखिए क्या लिखा है। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। बस यही बात कि तू मुझको लेने के लिए खड़ा है। फैनी क्रॉसबी के बारे में आप जानते हैं, जन्म के समय में गलत दवाओं के कारण कुछ ही हफ्ते बाद उनकी आंखें चली गई थी और सारा जीवन जो वो अंधे रह करके जी। उनको एक बार कहा गया था कि आपकी आंखें जब आ जाएगी तो क्या आप देखना चाहेंगे, क्या सुंदर धरती और यहाँ के लोग। उन्होंने कहा, नहीं, मेरी आंखें खुलने के बाद मैं केवल यीशु को देखना चाहती हूँ। अर्थात मैं वहां पहुंच भी जाऊं, वहां जा करके मैं प्रभु यीशु को देखना चाहती हूँ सुंदर सी दुनिया में। परमेश्वर के दास D.L. मूडी ने एक बार इस प्रकार से कहा था कि पृथ्वी अब मिट्टी जाती है, स्वर्ग दिखाई देता है, यह मेरे अभिषेक का दिन है, ऐ मृत्यु तू कितनी मीठी है। प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बयाने के रूप में जो दिया गया है, हमारे को एक गारंटी दी गई है। ये दूसरा कुरंथी 5वें अध्याय और 5वें वचन में लिखा है कि हम स्वर्ग राज्य में बुलाए जाएंगे। उसी तरह से प्रियो, भजन संहिता के 23वें अध्याय और 4थे वचन में मैं दाऊद को देखता हूं कि किस प्रकार के मृत्यु के भय से होकर के वो चल रहा है, लेकिन फिर भी कहता है मैं भयभीत नहीं होऊंगा क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। उसी तरह से जॉन वेस्ली के शब्द याद आते हैं, मृत्यु शैया पर पड़े थे और तब उन्होंने यह वाक्य कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यही कारण है कि पौलुस भी इस बात का ऐलान करता है, फिलिपियों के पहले अध्याय और उसके 21वें वचन में लिखा है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना भी लाभ है। 23वें वचन में वे कहते हैं, जी तो चाहता है कि अभी निकल जाऊं और जाकर के प्रभु से मिल लूं क्योंकि यही बहुत अच्छा होगा। हम बस अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में दे दें, उसके हाथों में समर्पित कर दें। प्रियो, प्रभु यीशु ने जिस प्रकार से क्रूस पर से आखिरी वाणी में कहा, हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, जिस प्रकार से स्तिफनुस ने कहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण करिए, बिल्कुल उसी तरह से हम भी अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में दे दें। मैं फैनी क्रॉसबी के एक छोटे से गीत के एक अंतरे के साथ में समाप्त करना चाहूंगा। संपूर्ण समर्पण संपूर्णानंद, उठाए जाने का देखूं दर्शन, स्वर्ग दूत हैं आते स्वर्ग से लाते, दया की बूंदे प्रेम का बंधन। कितना अद्भुत होगा जब हम सब लोग स्वर्ग में एक साथ मिलकर रहेंगे। हाउ नॉट टू डाई, कैसे न मरें। डू नॉट बी हॉरिबली अफ्रेड ऑफ डेथ, मृत्यु से अत्यंत भयभीत न रहें। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टेलीकास्ट। लाइक द बेरेन क्रिश्चियंस, सर्च द स्क्रिप्चर्स योरसेल्फ टू सी वेदर थिंग्स आर सो। Share these precious truths with your friends. Encourage them to watch this telecast week after week. Do pray for this program. Support us with your offerings. God bless you and make you a blessing. Address for correspondence and contributions: R. Stanley, Number 13, Church Colony, Vellore, 632-006. Telephone 0091-9843-7076-00.